आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे अपने इस सियासी बुलेटिन की शुरुआत। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर जुल्म करने के आरोपी कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर की ना तो अब तक गिरफ्तारी हुई है और ना ही हुआ है कोई केस और ना ही कांग्रेस ने उनके ऊपर की है कार्रवाई, जबकि बीजेपी के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंसा में अल्पेश का ही हाथ है। अल्पेश के खिलाफ रोड पर आक्रोश दिखा रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर सभी सो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर भारतीयों की रक्षा करेगा कौन? बिहारी का पान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिहार से लेकर यूपी के वाराणसी तक गुजरात कांड के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां सड़क पर हैं। कहीं पुतला दहन हो रहा है तो कहीं प्रदर्शन। जिस अल्पेश ठाकुर के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, उसी अल्पेश ठाकुर ने उत्तर भारतीयों को गुजरात से भगा दिया है। अल्पेश का ये भड़काऊ बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। गुनाखोरी वधी छे, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। આ કંપનીઓની ટ્રકો પણ રોકાશે અને એના દરવાજા પણ તૂટશે। કેટલા લડી લેવાના મૂડમાં છે। इस वीडियो में अल्पेश ठाकुर बाहरियों के खिलाफ जहर उगलते दिख रहे हैं, जबकि पत्रकारों के सामने आंसू बहाते हुए खुद को बेगुनाह बताने का ढोंग कर रहे हैं। जिस तरह से मुझ पे ब्लेम हो रहा है, दुखी हो रहा है यार। मैंने कसूर क्या किया? मैंने ईमानदारी की लड़ाई लड़ी, मैंने जो लड़ाई थी सच्चाई की वो लड़ी, और कभी भी मैंने ये नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला मैंने कि गुजरात में से किसी को खदेड़ दो। इस ढोंग की पोल अब खुल चुकी है, लेकिन दुख इस बात का है कि गुजरात से अपनी रोजी रोटी कमाई का जरिया छोड़कर लोग यूपी बिहार की ओर वापस लौट रहे हैं। हजारों की तादाद में गुजरात के अलग अलग शहरों से बिहार यूपी लोग लौट चुके हैं। पटना पहुंचे इन बिहारियों का दर्द आज मोदी राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं सीधे कि छोड़ के चले जाओ गुजरात, नहीं तो मार के इधर ही फेंक दूंगा जंगल में। नहीं, अब इस तरह का माहौल रहेगा कौन जाएगा वहाँ पे? इस तरह यहाँ पे अगर नीतीश कुमार हम लोग को अथी सुविधा देंगे तो यही अथी काम करेंगे। कंपनी वहाँ पे तो मशीन चलाते थे, किस कंपनी? पोपलेन मशीन चलाते थे। बिहारी को किस तरह से मतलब बोला, यहाँ पर कोई बिहारी नहीं रहेगा, यहाँ जो बिहारी रहेगा उसको काट डालेंगे। अब आप लोग क्या वापस जाएंगे? नहीं, अभी कोई संभावना नहीं है। गुजरात से डर कर लौटे इन लोगों की बात आज पूरा देश सुन रहा है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, देखिए कैसे उन्होंने इन मजदूर लोगों के दर्द के कारणों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। राहुल ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है, गरीबी से बड़ी कोई दहशत नहीं है। गुजरात में हो रही हिंसा की जड़ वहाँ के बंद पड़े कारखाने और बेरोजगारी है। व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों चरमरा रही है। प्रवासी श्रमिकों को इसका निशाना बनाना पूर्णतः गलत है। मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। ये है राहुल गांधी की सोच, ये है उत्तर भारतीयों के दर्द में शामिल राहुल गांधी के शब्द। एक तो बिहार और यूपी वालों को प्रवासी भारतीय कहा और दूसरे गलत जानकारी दी कि ये लोग बेरोजगारी के मारे लौट रहे हैं। असल में राहुल गांधी ने अपने खासम खास अल्पेश ठाकुर को बचाने के लिए पूरी तरह से इस मामले को डाइवर्ट कर दिया है। सवाल सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है, सवालों के घेरे में बीजेपी भी है। केंद्र से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। बार बार अल्पेश का नाम सामने आ रहा है, लेकिन मीडिया में बयान देने के अलावा बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं रही। आखिर बीजेपी सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं? क्यों नहीं अल्पेश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बीजेपी को ये हकीकत समझ लेने की जरूरत है कि यूपी बिहार के बिना दिल्ली का रास्ता संभव नहीं है। कांग्रेस के पास न यूपी में कुछ है न बिहार में, इसीलिए कांग्रेस अल्पेश के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी ने उत्तर भारतीयों का अगर साथ नहीं दिया तो फिर 2019 में बड़ी मुश्किल होगी सरकार। अल्पेश के खिलाफ उत्तर भारत में बढ़ रहा आक्रोश कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे मुद्दों से मोदी का पाला पड़ रहा है जो 2019 में उनके लिए चुनौती साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज के चुनावी हेडक्वार्टर का यह विश्लेषण देश के लोगों को आज जरूर देखना चाहिए। गुजरात कांड, सवर्ण नाराज, किसान नाराज,
महागठबंधन, एनडीए में फूट और कानून व्यवस्था, ये वो मुसीबतें हैं जो 2019 में पीएम बनने के लिए मोदी की राह में रुकावट पैदा कर सकती हैं। वाराणसी में लगे ये पोस्टर बताते हैं कि मोदी की परेशानी किस कदर बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर जंगल की आग की तरह वायरल है। लोग तरह तरह के कमेंट लिख रहे हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है, बिहार में 40, झारखंड में 14, यानी कुल 134 सीटें। 2014 में बीजेपी और एनडीए को यहां से जबरदस्त जीत मिली थी। यूपी, बिहार और झारखंड सत्ता का वो दरवाजा है जिसे खोलने के बाद दिल्ली की कुर्सी मिलती है, लेकिन जिस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों को मोदी के गुजरात से भगाया जा रहा है, उससे बीजेपी की पुरबिया राजनीति को झटका लगना तय है। देश के प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश है, उन्हें खुद समझना चाहिए कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। यदि वहाँ क्रिया ये हुई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुजरात छोड़ के भागना पड़ रहा है, तो उसकी यदि प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में होगी, खासकर बनारस में होगी, तो मोदी जी का क्या होगा, उन्हें समझना चाहिए। भले ही कांग्रेस का नेता गुजरात कांड में दोषी माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस यूपी बिहार में मोदी को घेर रही है। गुजरात कांड के पहले से ही बिहार और यूपी के सवर्ण नाराज है। रविवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने बिहार के गया में बड़ी पंचायत की थी। सामान्य समाज के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए थे। यूपी बिहार में ब्राह्मण भूमिहार वोटर बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन यूपी में ब्राह्मण पाला बदलकर मायावती के साथ भी जा सकते हैं। वैसे ही बिहार में भूमिहार कांग्रेस के पक्ष में पलट सकता है, यानी जो बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है उसमें नाराजगी है, और ये नाराजगी मोदी की राह में कांटा है। अब जरा पश्चिमी यूपी की इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमरोहा से लेकर मुरादाबाद के गांवों में बीजेपी नेताओं के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। हमारे किसान दिल्ली गए थे जी, तो उनकी सुनीता है, उनको लाठी डंडे फेरे जी, तो गांव वाले बोल रहे हमें दिल्ली नहीं पढ़ने, हम अपने गांव नहीं पढ़ने। साई दिखाई दिल्ली में जब हमारे लोग सब गए थे, तो उन्होंने क्या वहाँ पे वही बात रख रहा हूँ, लाठी फेरी या फुहरे से, मतलब जो पानी से जो चोट मारी है हमें, तो अगर यहाँ पे हमारे गांव में आएंगे तो भाई उसकी तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी। कोई काम भाजपा सरकार ने किसान हित का नहीं करा, किसान विरोधी के काम। 2 अक्टूबर को किसानों पर दिल्ली बॉर्डर पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पश्चिमी यूपी के किसान नाराज हैं। यहां 2014 में बीजेपी का झंडा बुलंद रहा था। पश्चिमी यूपी की 27 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब किसान और जाट वोटर बीजेपी से नाराज हैं। इस नाराजगी का फायदा बीजेपी विरोधी उठा सकते हैं। यूपी में अखिलेश और मायावती का गठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। इसी साल उपचुनाव में उसकी झलक देश देख चुका है। वैसे भी एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कहता है कि माया अखिलेश एक होकर लड़े तो यूपी की 80 में से 42 सीट महागठबंधन जीत जाएगा। एनडीए को 73 में से घटकर 36 पर आना पड़ेगा। महागठबंधन में कांग्रेस की एंट्री हुई तो आंकड़ा 56 तक हो जाएगा। एक तो विपक्ष मोदी के खिलाफ यूपी बिहार में एक हो रहा है, जबकि एनडीए में टूट की आशंका ज्यादा होती जा रही है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी किसी दिन एनडीए को कमजोर करने वाली खबर दे सकती है। वैसे ही यूपी में ओम प्रकाश राजभर भी खुश नहीं है, यानी यूपी बिहार में एनडीए का समीकरण किसी दिन भी उलट पलट सकता है। रही बात विकास मॉडल की, तो उस पर भारी पड़ रही है कानून व्यवस्था। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते थे और योगी सख्त प्रशासक, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था AK-47 से छलनी है तो यूपी के विवेक तिवारी हत्याकांड ने कानून के रखवालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी जिस दावे के दम पर लोग बीजेपी और एनडीए से जुड़ते, उस दावे की ही हवा निकल रही है। मोटी बात तो ये है कि मोदी को 2019 की पिच पर संभल कर खेलने की जरूरत है, क्योंकि इतने हिट विकेट हो चुके हैं कि पारी संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अल्पेश कांड के बाद भले ही कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आ रहे हों, लेकिन मोदी की चुप्पी नुकसान पहुंचा सकती है। और आज का इलेक्शन मीटर कहता है कि ऐसा ही हाल रहा तो फिर पलड़ा मोदी के बजाय राहुल गांधी का भारी होगा, और यूपी बिहार जैसे इलाके में मोदी को नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
गुजरात कांड में अल्पेश ठाकुर पर आरोप लग रहे हैं और उनके दोस्त हार्दिक पटेल इस मामले में राजनीति करके खुद को फिर से चमकाने में जुट गए हैं। पटना में हार्दिक के पक्ष में पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर के सियासी मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट गौर से देखना चाहिए। बिहारियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं लिखे ये पोस्टर पटना की सड़कों पर लगे हैं। हार्दिक पटेल ने इस पोस्टर के जरिए उत्तर भारतीयों का रहनुमा बनने की कोशिश की। पोस्टर में बाकायदा हेल्प लाइन नंबर भी दिया गया। बिहारियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जाहिर है कि उनको बचाने से ज्यादा यहाँ पर बिहार में पांव पसारने की ही कोशिश होगी ताकि वो अपनी पैठ बना सके। बीजेपी सवाल उठा रही है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जिन उत्तर भारतीयों की रहनुमाई करने के पोस्टर लगा रहे हैं, हमले का आरोप तो उनके दोस्त पर ही लगा है। पटेल को पोस्टरबाजी करने के बजाय पहले अल्पेश ठाकुर से अपने संबंध तोड़ने चाहिए, कांग्रेस पार्टी से संबंध तोड़ने की घोषणा करनी चाहिए, आरजेडी के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे ये घोषणा करनी चाहिए, तब इस पोस्टर का कोई मतलब है। और ये पोस्टर पटना में क्यों लगा रहे हैं? पटना का कौन आदमी जाता है गुजरात के अंदर नौकरी करने के लिए? लगाना है तो गुजरात के अंदर लगाए। कहते हैं ना कि सियासत और संग्राम में हर चाल के मायने होते हैं। आखिर हार्दिक पटेल के मन में उत्तर भारतीयों की मदद का लड्डू क्यों फूटा, ये भी आपको बता दें। चर्चा ये है कि हार्दिक बनारस से पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन हार्दिक पटेल को मोदी के सामने प्रत्याशी बना सकता है। अगर बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर भारतीय वोटों की सहानुभूति चाहिए होगी। हार्दिक कुर्मी जाति से आते हैं जिनके बनारस में 1.5 लाख वोटर हैं। इसलिए इस पोस्टर पॉलिटिक्स के बाद चर्चा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पटना के रास्ते हार्दिक पटेल बनारस पहुंचने की कोशिश में हैं। वैसे पटना में भी कुर्मी अच्छी संख्या में हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर बेरी चुनावी नीति कहती है कि राहुल गांधी को तुरंत एक्शन लेते हुए अल्पेश पर कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी को भी अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है, वरना उनको 2019 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।